भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम इंडिया ने तूफानी बल्लेबाजी की, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, तो वहीं ईशान किशन ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की और अपना पहला टेस्ट 50 पूरा किया। आपको बता दें कि ईशान किशन ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अपनी इसी पारी के चलते उन्होंने टीम इंडिया को 24 ओवर में 181 रनों तक पहुंचाया और वेस्टइंडीज को 365 रनों का लक्ष्य देने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि अब इसी पारी के बाद उन्होंने अपनी इस बल्लेबाजी का श्रेय रोहित शर्मा को ना देकर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को दिया है। अपनी पारी पर बात करते हुए ईशान किशन ने यह कहा कि वो विराट कोहली थे जिन्होंने ईशान किशन पर भरोसा जताया और उन्हें पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा। अपनी पारी पर बात करते हुए ईशान किशन कहते हैं कि ये अर्धशतकीय पारी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। मुझे पता था कि मुझसे टीम को क्या चाहिए। हर किसी ने मुझे बैक किया, विराट ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझसे मैदान पर जाकर गेम खेलने को कहा। विराट भाई ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे बैटिंग में प्रमोट करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाज बॉलिंग करा रहा है, ऐसे में बैटिंग के लिए मुझे जाना चाहिए। टीम के लिहाज से ये कॉल अच्छी रही। हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी खिलाड़ी को बड़ा बनाना होता है तो उस खिलाड़ी को पहले प्रमोट किया जाता है, खिलाड़ी को ऊपर भेजा जाता है। यही कुछ अब टीम इंडिया में देखा जा रहा है। ईशान किशन नंबर 7 पर रन नहीं बना रहे थे, इसलिए उन्हें नंबर 4 पर भेजा गया। वहां पर बैटिंग करते हुए उन्होंने अर्धशतक जड़ा। उनकी ये पारी एक तरह से ऋषभ पंत को ट्रिब्यूट भी है, क्योंकि उन्हीं के एडिशन वाले बैट के चलते ईशान किशन ने ये तूफानी पारी खेली। फिलहाल ईशान किशन ही भारत के लिए ऋषभ पंत का एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में ईशान किशन भारत के लिए कितने और टेस्ट मैच खेल पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।